लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और सबकी निगाहें टिकी हुई है आने वाले 4 जून पर, क्योंकि 4 जून को ही जब लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट्स आएंगे यानी परिणाम आएंगे, उस वक्त हम देख सकेंगे कि आखिर किसकी जीत होती है। 4 जून को ही ईवीएम की पेटी जब खुलेगी तो हम जान सकेंगे कि आखिर देश की गद्दी पे कौन बैठेगा और भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। वह कौन से गठबंधन है जो बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएंगे और क्या इंडिया गठबंधन जीत कर दर्ज कर पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इसी कड़ी में राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने भाजपा को आखिर कितनी सीटें मिलेगी इसको लेकर के भविष्यवाणी कर दिया, जिसको लेकर के अब राजनीति जो गर्माहट है वो तेज हो गई है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब किसी कंपनी से अपेक्षाएं बहुत होती है और अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद वे जो है उस पर खरे नहीं उतरते तो शेयर बाजार उन्हें दंडित करता है। इस नजरिए से अगर भारतीय जनता पार्टी 370 से कम सीटें हासिल करती है तो यह चर्चा का विषय बन सकता है, बाजार पर इसका असर भी दिखाई दे सकता है। प्रशांत किशोर ने साल 2014 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ काम किया था। उन्होंने मौजूदा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की जीत की भविष्यवाणी की है। उन्होंने भाजपा के 370 सीटों के लक्ष्य को एक स्मार्ट कदम बताया और जिससे उन्हें चुनावी चर्चा बदलने में फायदा हुआ है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि पिछले 3-4 महीने में चर्चा 370 और 400 पार के आसपास केंद्रित रही है और इसे जो है भाजपा की रणनीति या विपक्ष की कमजोरी माने, लेकिन भाजपा ने गोल पोस्ट को पूरी तरह से 272 से 370 पर शिफ्ट कर दिया है। इससे भाजपा को फायदा हुआ है और अब कोई यह नहीं कह रहा है कि मोदी जी हारेंगे। वे कह रहे हैं कि उन्हें 370 सीटें नहीं मिलेंगी। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कि भले ही भाजपा को 320 सीटें या 370 के आंकड़े को पार करने की उम्मीद से जो है कम का कोई आंकड़ा मिले, भगवा पार्टी सरकार बनाएगी। गौरतलब है कि 543 सीटों वाली लोकसभा में 272 सीटों का आधा आंकड़ा है, जिसे किसी पार्टी या गठबंधन को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पार करना होगा। फिलहाल प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अब तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी 370 का वो आंकड़ा पार कर पाएगी? क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।